हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन. दिस इज रोज मियर. आज हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं कौन सा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. तो चलिए हम बढ़ते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स है ना, उस पे फोकस किया है. फाइन, ताकि हम लोग को याद रहने के लिए आसान हो जाए. पहला पॉइंट है मीनिंग. टॉप लेवल यानी कि टॉप पोजीशंस में जो रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप पोजीशंस में रहते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, प्रेसिडेंट, वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी कि जो मिडिल पोजीशंस में रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे डिपार्टमेंटल हेड या तो फिर फंक्शनल मैनेजर्स, जैसे फिनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एक्सेट्रा. लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि जो लोअर पोजीशंस में होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सुपरवाइजर्स हो गया या तो फिर फोरमैन हो गया ना. सिंपल, ओके. तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, टॉप लेवल यानी कि टॉप पोजीशन, मिडिल लेवल यानी कि मिडिल पोजीशन, लोअर लेवल यानी कि लोअर पोजीशन. दैट्स इट, ओके. सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क. टॉप लेवल मैनेजमेंट का कैसा काम रहता है, फ्रेम करना प्लान्स एंड पॉलिसीज, वो काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करना पॉलिसीज का, जो फ्रेम किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा. किसके सहायता से, लोअर लेवल स्टाफ का, स्टाफ की सहायता से. ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है प्लानिंग का. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, टॉप लेवल फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, मिडिल लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, लोअर लेवल एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग. तीसरा, क्या स्किल्स चाहिए, कैसी स्किल्स चाहिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में. टॉप लेवल में कॉन्सेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स है. कॉन्सेप्चुअल यानी कि इमेजिनरी, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे माइंड का ज़्यादा काम होता है. फाइन, अच्छी तरीके से सोचना पड़ता है, डिसीजंस लेना पड़ता है, तो ऐसा स्किल्स चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्चुअल भी चाहिए, यानी कि वो यू नो, दिमाग का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अच्छी तरीके से सोचना पड़ता है, इमेजिनरी स्किल्स चाहिए, अच्छी तरीके से माइंड वर्कआउट करना चाहिए. ठीक है, वैसा स्किल्स चाहिए. और तो और तकनीकी स्किल्स भी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, जबकि लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल्स या तकनीकी स्किल्स की ज़रूरत होती है. फाइन, तो टॉप लेवल में कॉन्सेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मिडिल लेवल में कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल स्किल्स, और लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल्स. फाइन, अभी हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, प्रमोशन पॉलिसी. टॉप लेवल में प्रमोशन मेरिट पे दिया जाता है, मिडिल लेवल में प्रमोशन मेरिट और सीनियोरिटी के बेस पे होता है, जबकि लोअर लेवल में सीनियोरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है या अहमियत दिया जाता है. ठीक है, फाइन. तो टॉप लेवल मेरिट, मिडिल लेवल मेरिट एज वेल एज सीनियोरिटी, और लोअर लेवल सीनियोरिटी. फाइन, इतना ध्यान में रखना है. अभी टाइम फ्रेम, टॉप लेवल जो है वो कंसिडर करता है बहुत ज़्यादा टाइम, यानी कि 5 से 20 साल तक भी लग सकता है. ठीक है, जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिडर करता है मीडियम टर्म, यानी कि 1 से 5 साल के बीच में, जबकि लोअर लेवल बहुत ही कम टाइम, यानी कि 1 साल तक. ठीक है, अप टू 1 ईयर हम लोग बोल सकते हैं. फाइन, तो ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का टाइम फ्रेम. फाइन, अभी हम लोग आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ. फाइन, रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ, जिम्मेदारी. टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके किसके तरफ रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो जिम्मेदार होते हैं शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी के तरफ. वो लोग टॉप लेवल पे रहते हैं ना, वो लोग फ्रेम करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो हर एक चीज़ उनको ध्यान में रखना पड़ता है, उस हिसाब से उनको डिसीजंस लेना पड़ता है. तो उनका जिम्मेदारी किन किन की तरफ होना चाहिए, शेयर होल्डर्स की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, सोसाइटी, सब कुछ उनको सोच समझ के प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करना पड़ता है. तो उनको उनका जिम्मेदारी रहता है शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी की तरफ.
मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी किसकी तरफ रहता है? उनका जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ होता है, सिंपल। और लोअर लेवल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी मिडिल और टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इनका काम क्या है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन रहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है, फाइन। तो सिंपल, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट, सिंपल। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन किस तरफ पास होता है वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे कहाँ से आता है, किसके तरफ जाता है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में सिंपल है, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस किसको जाता है, ऑफकोर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। यहाँ पे इन लोग का काम क्या है, प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करना, और ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस तो नेचुरल मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पास हो जाता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस किसको पास होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ पास होता है। और जो रिपोर्ट है, यानी कि जो काम का जो रिपोर्ट होता है वो टॉप लेवल को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या क्या इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया एक्सेट्रा, वो जो भी है वो रिपोर्ट टॉप लेवल को सबमिट करना पड़ता है। अगला जो है इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ऑर्डर्स का, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट से आता है उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट में, और रिपोर्ट किसको सबमिट किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। तो सिंपल है यहाँ पे फ्लो ऑफ ऑर्डर्स पॉइंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस पास किसके तरफ होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरफ, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाता है, और रिपोर्ट जो है टॉप लेवल को सबमिट करना पड़ता है, जबकि लोअर लेवल मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ऑर्डर्स के हिसाब से, और रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिया जाता है, सिंपल। सो होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरली डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। See you all in the next video. Till then, bye-bye from Toast Me.